महाराज 1996 में रिटायर हुआ था। अच्छा, 96 के बाद मैंने 5 साल चलाई पैसेंजर गाड़ी, ठीक है, और उसके साथ पास मैंने 10 साल चलाया टैंकर एयरपोर्ट में, और 10 साल से मैं चला रहा हूँ स्कूल की गाड़ी। अच्छा, तो एह्दे कन्नै कन्नै गै तुस इलाके दे पंच भी आओ, ते कियां तुस मैनेज करदे हो, लोकें गी भी सुना दे हो? 8 बजे मैं स्कूल बच्चे छड्डियै ओह्दे बाद जो भी ब्लाक दी जां इधर उधर कोई इक महीने दी इक दो बारी साडी मीटिंग हुंदी है। अच्छा। ओह असीं मीटिंग भी अटेंड करने आ, सरपंच हुंदे कन्नै मिलियै, और दूजा बाद च 4 बजे आने बाद च लोकें दी समस्या भी सुनने आ, जो भी कारवाई हो अस करने आ। घर च मेरी मिसिज है, अच्छा, इक मेरा लड़का, इक आर्मी च है, अच्छा, ते दो नूहां न, ठीक, दो पोतियां, इक पोता। अच्छा, सिस्टम की मैनेज बड़े अच्छे ढंग ने करते। एक गाय भी रखी हुई है। अच्छा, उरी भी सेवा करते? हां, उदी भी सेवा करने। अच्छा, मतलब सारे ही जेड़ा टाइम तुसे थोड़ा थोड़ा देई होड़। जी जी जी, अभी युवा पीढ़ी है, इन्हें अपना जोर करने काम करना चाहिए, दिल लाई अपना घर या बाहर जो भी काम देता जांदा ने जोर नाल काम करना चाहिए, और फिजिकल फिट रहना चाहिए, और टाइम कढ़िए सवेरे शामी भाग दौड़ भी करनी चाहिए, कोई अपनी फिजिकल फिट बॉडी तैयार करिए, कोई नौकरी भी बंदा दिखी सकता, पुलिस की नौकरी दिखी सकता, BSF की दिखी सकता, आर्मी की दिखी, बड़ी भर्तियां होंदियां वो भी बंदा फिजिकल फिट होवे ते अगे छाती तानिया खड़ोई सकदा। तुस दिखा दे हो वर्दी पाई दी ने ड्राइवर वाली, गड्डी चलांदे ने स्कूल दी, और आर्मी च रिटायर होए, आर्मी च रहिए भी गड्डी चलांदे हे, रिटायरमेंट के बाद इन्हें पैसेंजर गड्डी भी चलाई, एयरपोर्ट उपर टैंकर भी चलाया, अज स्कूल की गड्डी चला दे, अपने घर ही बड़े अच्छे तरीके चला दे, मुड़े इंदे नौकर होई गए, घर ही बड़ा अच्छे तरीके मैनेज करा दे, लोकें गी भी सुना दे, लोकें दी दिक्कत परेशानी अपने इलाके दे पंच न, पंच होने दे नाते लोकें दी दिक्कत परेशानी सुनिए प्रशासन तक पजांदे न। और मैं आखदा कि अगर युवा पीढ़ी की गल करचै तो ये प्रेरणा ने युवा पीढ़ी वास्तै, मेहनत करने वाले की कदें हार नहीं होंदी। अज मैं तुहानू एक ऐसी शख्सियत कन्नै मिलान जा रहा है जिहड़े कम्मां गी लईए इन्ने ज़्यादा डेडिकेट ने, कि इन्ने ज़्यादा हार्ड वर्किंग करदे न, वो अज मैं थानू सुनान जा रहा। मेरे कन्ने शख्स न मदन लाल होर, जिहड़े सांबा जिला के नड ब्लॉक के सराई ग्रां दे रहिणे वाले न, और इंदी मैं थोड़ी हिस्ट्री थानू सुनाना चाहना कि ये आर्मी चा रिटायर होए दे न, रिटायरमेंट के बाद इन्हें पैसेंजर गड्डी चलाई, इन्हें एयरपोर्ट उपर काम किया, अज स्कूल की गड्डी चला दे न, ये इंदा काम के लिए पैशन, लेकिन ओरे कोला भी एक बड़ी ड्यूटी निभा दे न जनता के लिए। ड्यूटी ये है कि अपने इलाके के पंच भी हैं, यानी पंच ही है, अपने जनता भी दिखा दे, अपने घर की भी दिखा दे, काम भी करा दे, और ये प्रेरणा न उन युवा पीढ़ी आस्तै जेडे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और अज मैं थोड़ी मलाटी करा जा रहा, इंदी जुबानी सुनने कि ये कियां मैनेज करते हैं, अपने घर आई भी चलाना, अपना काम भी करना, और पंच हुई है, जनप्रतिनिधि हुई है, अपने इलाके के लोगों की समस्याएं की भी सुनना। मदन लाल जी, थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है साढ़े चैनल च, ते मैं आज ये जानना चाहना थोड़ी इस सफर की लेइए कि तुस आर्मी च रहे, आर्मी दे बाद रिटायरमेंट जिस तुसे लेई, और बाद तुसे पैसेंजर गड्डी चलाई, एयरपोर्ट उपर काम किया, अज स्कूल की गड्डी चलाई, मैं पूरे सफर के बारे थोड़ा कोला जिहड़ा विस्तार करना जानना चाहना। मेरा कहना यह है कि जिन्ना काम बंदा जोर दा करे इन्ना फिजिकल फिट रहा, बिल्कुल, अगर बंदा लटर मस्ती करे तो वह बंदा कामयाब नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। तो बंदे की ज्यादा कोला ज्यादा काम करना चाहिए, अपने नशे नुशे को दूर रहना चाहिए, और ज्यादा साथ मंडली नहीं करनी चाहिए, अपना एक दो बंदे का गै साथ होना चाहिए। लेकिन मैं इस सफर के बारे जानना चाहना, कदों तुम रिटायर हुए और बाद और केड़े काम किए, अज तू स्कूल की गड्डी चलाई, मैं पूरा ही जानना चाहना। जी, मैं महाराज 1996 में रिटायर हुआ था। अच्छा, 96 के बाद मैंने 5 साल चलाई पैसेंजर गाड़ी, ठीक है, और उसके साथ पास मैंने 10 साल चलाया टैंकर एयरपोर्ट में, और 10 साल से मैं चला रहा हूँ स्कूल की गाड़ी। अच्छा, तो एह्दे कन्नै कन्नै गै तुस इलाके दे पंच भी आओ, ते कियां तुस मैनेज करदे हो, लोकें गी भी सुना दे हो? 8 बजे मैं स्कूल बच्चे छड्डियै ओह्दे बाद जो भी ब्लाक दी जां इधर उधर कोई इक महीने दी इक दो बारी साडी मीटिंग हुंदी है। अच्छा। वो असीं मीटिंग भी अटेंड करने आ, सरपंच हुंदे कन्नै मिलियै, और दूजा बाद च 4 बजे आने बाद च लोकें दी समस्या भी सुनने आ, जो भी कारवाई हो अस करने आ, काम जेहड़ा अगे पिछे जाने आला होवे वो भी दफ्तर दुफ्तर कराने आ। ते इसी में शौक आखी लां या कम्मा दे प्रतीक थोड़ा जनून है? शौक भी है? हाँ, शौक भी है, ते जनून भी है? जनून भी है। ते मैं जानना चाहना कि घर च कौन कौन है? घर च मेरी मिसिज है। अच्छा। एक मेरा लड़का, एक आर्मी च है। अच्छा। ते दो नूहां न, ठीक, दो पोतियां, एक पोता। अच्छा।
सिस्टम की मैनेज बड़े अच्छे ढंग ने करते। एक गाय भी रखी हुई है। अच्छा, उरी भी सेवा करते। हां, उदी भी सेवा करने। अच्छा, मतलब सारे जेड़ा टाइम तुसे थोड़ा थोड़ा देई ओड़। हां जी, हां जी, हां जी, है ना। हां जी, ते युवा पीढ़ी के संदेश लोग आज दी युवा पीढ़ी कुदा कुदा कुछ पटका दे, लोग नशे वाले पासे जा दे ने, लेकिन तुस प्रेरणा होंदे वास्ते नशे कोला दूर रहना चाहिए। जो भी युवा पीढ़ी है इन्हें अपना जोर करने काम करना चाहिए, दिल लाइए अपना घर या बाहर जो भी काम दिता जाता इन्हें जोर नाल काम करना चाहिए और फिजिकल फिट रहना चाहिए और टाइम कढ़िया सवेरे शामी बाग दौड़ भी करनी चाहिए। कोई अपनी फिजिकल फिट बॉडी तैयार करिए कोई नौकरी भी बंदा दिखी सकता, पुलिस की नौकरी दिखी सकता, BSF की दिखी सकता, आर्मी की दिखी, बड़िया भर्तियां होंदियां वो भी बंदा फिजिकल फिट होवे ते अगे छाती तानिया खड़ोई सकदा। सवेरे किन्ने बजे उठदे? सवेरे मैं उठना 5 बजे। अच्छा, ते ओरे बाद फिर नहाई धोई ते स्कूला दी गड्डी ली? हां जी, हां जी, सवेरे 5 बजे उठना, अपना नहाते धोते बुरश बर्श किया, इधर उधर काम शाम जरा माड़ा मोटा वा करिए, हाँ जी, और 6 बजे स्कूले चले ना 6:30 बजे। अच्छा, तो इन बिटवीन कोई फोन आई है थोड़े इलाके मारे कुदा लड़ाई हुई है ते पंच साहब भी बुलाओ ते फिर उसले कियां मैनेज करदे? सरपंच साहब साढ़े हाजिर गै रौंहदे न पिंड च गै, अगर सरपंच नहीं होगा मैं इत्थे ही होना। वैसे साढ़े पिंड च कोई लड़ाई झगड़ा होंदा नहीं है, कोई कदे कताले होए भी याद अस आपू बिच गै उसी निपटाई लैने। हाँ जी, प्रशासन का सहयोग मिला था थानू? प्रशासन का सहयोग पूरा। अच्छा, हाँ जी, के सुनिया रोग युवा पीढ़ी की नशे ले तो आखा दो, लेकिन कितना ज़्यादा जरूरी है अपने आप को फिट रखना, थोड़े जिन्हें लोगों को इंस्पिरेशन लेना फिर उसी अपने अंदर तुआरिए फिर आपे काम करना। हाँ, नशे को दूर जरा बंदा रहोग वो कामयाब हो सकती, जो नशा करेगा वो कुछ कामयाब नहीं होगा। यानी काम जो दिला करना मेहनत करना, मेहनत दिला करना, मेहनत करना, घर का काम हो कोई बाहर की ड्यूटी हो जो भी हो अपना दिलचस्पी करने जोर करने काम करना चाहिए, जिन्ना पसीना बहाना इन्ना शरीर तंदुरुस्त रहो। बिल्कुल, तो तुसे सुना दे हे मदन लाल हो जे कि सांबा के नड ब्लॉक की गल कर जाए सनाई ग्रां के रौने वाले तुस दिखा दो वर्दी पाई दी ने ड्राइवर वाली गड्डी चलाते स्कूल की और आर्मी चा रिटायर होए थे, आर्मी च रहिए भी एक गड्डी चलाते हे, रिटायरमेंट के बाद इन्हें पसेंजर गड्डी भी चलाई, एयरपोर्ट उपर टैंकर भी चलाया, अज स्कूल की गड्डी चला दे, अपने घर ही बड़े अच्छे तरीके चला दे, मुड़े इन्हें नौकर हो गए, घर ही बड़ा अच्छे तरीके मैनेज करा दे, लोगों की भी सुना दे, लोगों की दिक्कत परेशानी अपने इलाके के पंचन पंच होने के नाते लोगों की दिक्कत परेशानी सुनी है प्रशासन तक पहुँचाते हैं। और मैं आखा कि अगर युवा पीढ़ी की गल करचै तो ये प्रेरणा ने युवा पीढ़ी वास्तव सीखो इन को इन्हें दिखिए कि इन्हें अपने आप को फिजिकली फिट रखे दा, सवेरे 5 बजे उठिए तो शामी तक जोड़े न लगे रोंद कमा ही, इन्नी ज़्यादा डेडिकेशन है काम के प्रति कि हर सिस्टम की मैनेज करा दे, अपने घर ही भी बड़े अच्छे तरीके चला दे, लोगों का मेल मिलाप भी इंदा बड़ा अच्छा है पंचन इलाके के और कन्ने कन्ने गै ये तमाम दिक्कत परेशानियां लोगों दी सुनिए तो प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इसी आदे मेहनत कश व्यक्ति, इसी आदे मेहनत कश जिहड़ा बंदा होंदा ना वह कदे भी फेल नहीं होंदा, इस करी मैं आखांदा कि मेहनत करने वाले कदे हार नहीं होंदी। ये युवा पीढ़ी वास्ते एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इन्हें देखो, इन्हें कुछ इन्हें दिखिए, अपने अंदर कुछ ढालो, सीखो कुछ कि असें भी कुछ करना है समाज आस्ते, सोसाइटी आस्ते, अपने माँ प्यो का नाम रोशन करना है, अपने इलाके का नाम रोशन करना, जियां इसलै काम करा दे इस उम्र च भी ये जेड़ा मेहनत करने काम करा दे और वाकई इंदा कोई मुकाबला नहीं है, अस भी इन्हें दिला करना सैल्यूट करने। फिलहाल इस कैमरामैन राहुल कन्नै ऋषि खजूरिया जेके मीडिया लिए।